दंतेवाड़ा मानहत्ता को संसार करने का मामला सामने आया है। जिला हॉस्पिटल बीमार महिला को सिटी स्कैन के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। हॉस्पिटल के बाहर आधा किलोमीटर परिजनों ने व्हील चेयर में ले जाकर महिला का सिटी स्कैन कराया गया। इलाज के दौरान बीमार महिला के साथ नर्सों और वार्ड बॉय के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। बीमार महिला पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है। जन प्रतिनिधियों ने सिविल सर्जन को मामले से अवगत कराया। सिविल सर्जन ने नर्सों द्वारा दुर्व्यवहार करने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद में भी उन्हें मानवता होनी चाहिए। अरे पेशेंट अगर तकलीफ में है तो हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वैसे दूसरे के साथ हमको मैं खुद इवन पेशेंट को कभी अगर कोई पेशेंट है उठाने में किसी कहता खुद हल्का तो ये क्या है। मैं इनको सब कुछ सिखाता हूँ कि आप लोग ऐसा व्यवहार दो कि अगर आप अपने किसी परिजन को अस्पताल में भी आते हो आप डॉक्टर से सिस्टर से स्टाफ से क्या उम्मीद करते हो, क्या अपेक्षा करते हो, वैसे आपको व्यवहार यहाँ देना है। और हमारे यहाँ व्यवस्था पहले से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सुधार भी है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ जो रिनोवेशन काम चल रहा है इसकी वजह से भी हमारा बहुत सारी व्यवस्थाएं अभी जो है ये रिनोवेशन काम जो पूरा हो जाता है ना, जल्दी पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और अपने ढंग से कर पाएंगे। और आचार संहिता के बाद में मतलब मैं तो सोच रहा हूँ सेवा साहब से मेरी बात हुई, जे डी साहब से मेरी बात हुई है, डायरेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हमको और स्टाफ चाहिए। अभी हमारे पास क्या है 100 बिस्तर के हिसाब से मांग सकते हैं, हमारा जिला अस्पताल 100 बिस्तर का है। आज सुबह हमारे रिलेटिव है बिमला देवी, उनको हॉस्पिटल लेकर आया गया और हॉस्पिटल लाने के बाद जब उनको एडमिट कराया गया डॉक्टर ने पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया था, पर यहाँ पर ड्यूटी में रही नर्सें उनके द्वारा ठीक से नहीं देखा गया। जब मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ कोई देख नहीं रहा तो मैं यहाँ आके देखा तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, एक साइड से पैरालाइज हो गए थे और बेहोशी हालत में थे, तो बेड में ही बाथरूम अगर ये सब हो गया था। तो मैंने बताया इनको कि तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं करें, तो नर्सों के द्वारा बोला गया कि इनके परिवार वाले बताएंगे तब हम करेंगे। तो मैंने CS को लगाया फ़ोन और इनके द्वारा फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट फिर डॉक्टर के द्वारा यहाँ चालू किया गया। उसके बाद सिटी स्कैन के लिए इनको लिखा गया, तो मैंने कहा था इनको कि एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी गया क्योंकि सिटी स्कैन बाहर होता है हॉस्पिटल से, लगभग आधा किलोमीटर करीब ले जाना पड़ता है। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए भी जब इनके परिवार वालों ने उनको बोला कि यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई गई, जब मुझे पता चला तो मैंने डॉक्टर से CS से बात किया तो कोई एम्बुलेंस 1 से 2 अगर हुई, पर हॉस्पिटल के स्टाफ जो पेशेंट के साथ कोई नहीं थे, हॉस्पिटल के स्टाफ को जब बोला गया तो उन्होंने टच करने के लिए भी मना कर दिया और एम्बुलेंस में बैठाने के लिए मना कर दिया। तब उन्हें उनके द्वारा स्ट्रेचर में ले जाया गया। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हॉस्पिटल में जिस जगह में दंतेवाड़ा जिले में DMF फंड से कई करोड़ों रुपए इसमें लगाए गए, स्टाफ पर्याप्त मात्रा में दिए गए, इसके बाद भी इस प्रकार की अव्यवस्थाएँ हैं, तो इसको कम से कम ध्यान में रखते हुए इनको सुधर अच्छा करना चाहिए। CS का बॉडी भी क्या है ना, ठीक है हमारे वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है बॉडी, लेकिन इसके बाद में भी उन्हें मानवता होनी चाहिए। अरे पेशेंट अगर तकलीफ में है तो हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वैसे दूसरे के साथ हमको मैं खुद इवन पेशेंट को कभी अगर कोई पेशेंट है उठाने में किसी कहते खुद हल्का, तो ये क्या है। मैं इनको सब कुछ सिखाता हूँ कि आप लोग ऐसा व्यवहार दो कि अगर आप अपने किसी परिजन को अस्पताल में भी आते हो आप डॉक्टर से सिस्टर से स्टाफ से क्या उम्मीद करते हो, क्या अपेक्षा करते हो, वैसे आपको व्यवहार यहाँ देना है। और हमारे यहाँ व्यवस्था पहले से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सुधार भी है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ जो रिनोवेशन काम चल रहा है इसकी वजह से भी हमारा बहुत सारी व्यवस्थाएं अभी जो है ना।